सवाल, अदाब। मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आपकी दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, कोलकाता से। सुनील और आनंद मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको उनका दोस्त विवेक भी ज्वाइन करता है। तीनों खूब गप्पे लड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब रात होने लगती है, उनको भूख लगने लगती है, लेकिन आसपास कोई दुकान भी नहीं होती जहां से वो कुछ खरीद के खा सके। तो सुनील कहता है कि उसके पास 3 रोटियां हैं, वो बांट के खा सकता है। और आनंद कहता है उसके पास भी 5 रोटियां हैं, वो मिल बांट के खा सकते हैं। तो आनंद की 5 और सुनील की 3, टोटल कितनी हो गई? 8 रोटियां। लेकिन अब वो मुश्किल में ये पड़ जाते हैं कि 3 लोगों में 8 रोटियां कैसे बांटी जाए, बराबर कैसे इसको किया जाए, क्योंकि या तो 9 रोटियां चाहिए या 6 चाहिए या 12 चाहिए। तो सुनील कहता है कि एक काम करते हैं, हर रोटी को 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो 8 रोटी को जब 3-3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो 24 टुकड़े हो जाएंगे। तो 24/3 मतलब 8, हर दोस्त को 8-8 टुकड़े रोटी आएंगे। तो सबको आइडिया बहुत अच्छा लगता है सुनील का। तो हर रोटी के 3-3 टुकड़े होते हैं, तो इस तरह 24 टुकड़े हो जाते हैं और 8-8 टुकड़े सब कोई खा लेते हैं। तो वहीं पे वो गप्पे वप्पे होते रहती हैं, रात हो जाती है तो वहीं पे वो थोड़ा बहुत नींद भी ले लेते हैं। जब थोड़ी सुबह सुबह होती है तो विवेक कहता है अब मैं अपने घर जाता हूँ, बहुत दिन बाद मिले, बहुत अच्छा लगा, बचपन की याद बहुत आ रही थी, तो मैं इधर से जा रहा था, तुम लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरे पास 8 गोल्ड कॉइन है, मैं ये तुम लोगों को देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे पास रहेंगे तो हमेशा मेरी याद तुम लोग को आएगी, ये आने वाले बर्थडे का गिफ्ट भी तुम लोग समझ लेना। तो अब सुनील और आनंद कहते हैं कि तुम्हारे पास 8 है तो हम दोनों 4-4 ले लेते हैं। तो आनंद कहता है कि 4-4 कैसे, मेरी तो 5 रोटियां थी, मुझे 5 मिलना चाहिए, तुम्हारी 3 रोटियां थी, तुमको 3 मिलने चाहिए, तो तुम 3 गोल्ड कॉइन ले लो और मैं 5 गोल्ड कॉइन ले लेता हूँ। तो बोलते नहीं, ये तो हिसाब गलत है। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं। तो पुजारी को सारी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसी बात है, हम लोग को 8 कॉइन मिले, तो ये कहता है कि 4-4 नहीं, 3 और 5 होंगे। पुजारी को सुनील की बात समझ आती है कि सुनील कह तो ठीक ही रहा है कि इसने जब 5 रोटी दी है तो उसको 5 और जिसने 3 दी है उसको 3 ही मिलने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा फिर भी उसके मन में कन्फ्यूजन होता है। तो वो कहता है एक काम करो, आज रात तुम लोग यहीं सो जाओ और सुबह मैं सोच के इसका निर्णय दूंगा, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो मन बहुत फ्रेश होता है और बुद्धि भी बहुत फ्रेश होती है, तो वहाँ पे अच्छी तरह मैं इसका जो है समाधान कर सकूँगा। तो पुजारी और ये दोनों सोने चले जाते हैं। रात में सपने में पुजारी को भगवान आता है और भगवान आदेश देता है कि आनंद को 7 और सुनील को 1 गोल्ड कॉइन मिलना चाहिए। तो पुजारी पूछता है कि ऐसा क्यों, आप आनंद को 7 और सुनील को सिर्फ 1 क्यों देना चाहते हैं? तो भगवान समझाता है, देखो सुनील के पास 3 रोटियां थी, 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए, उसमें 8 टुकड़े तो सुनील ने खुद ही खा लिए, तो उसने क्या त्यागा, सिर्फ 1 टुकड़ा। और आनंद के पास क्या था, 15 टुकड़े हुए, 15 टुकड़ों में उसने 8 टुकड़े खाए और उसने क्या त्यागा, उसने 7 टुकड़े उन दूसरे दोस्तों को दे दिए। तो इस तरह आनंद का जो सेक्रीफाइस है, जो त्याग है, जो दान है, वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको 7 कॉइन्स मिलने चाहिए। हाँ दोस्तों, दूसरे दिन सुबह पुजारी पूरी बात दोनों को बताता है और सुनील को 1 और आनंद को 7 गोल्ड कॉइन दे के विदा करता है। हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं ना, कितना दान दिया, इतना त्याग किया, बस बदले में इतना सा मिला, कारण क्या है? हम कुछ और सोचते हैं, भगवान का हिसाब कुछ और होता है। भगवान अपनी तरह से सोचता है, हमने कितना बचाया, कितना दिया, कितना खाया, सब कुछ का हिसाब होता है। इसलिए दोस्तों, आप
कितना दे रहे हैं और कितना पा रहे हैं इस हिसाब में मत जाइए। बस लॉ ऑफ शेयरिंग जो होता है ना, जो हमारी गीता में भी कहा गया है, लॉ ऑफ गिविंग, बस दूसरों के साथ अपना खाना, अपना पहनना शेयर करते जाइए। देखिएगा आपको खुद पे खुद सब कुछ मिलता जाएगा। उस हिसाब में मत जाइए। आपके त्याग का हमेशा ऊपर न्याय ही होता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जाते जाते लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड। लव यू ऑल।